हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं अपने मित्र अभिषेक की शादी में और ये बड़ी मुश्किल से मिला हमें हर्ष क्लासिक बैंक्वेट। और अभी अभी आए हैं जस्ट, तो ऊपर चल के अभिषेक से मिलते हैं, तब आपको मिलते हैं। हाय पीपल, सो अभी हम लोग आ चुके हैं, हर्षदा और अभिषेक के उसमें रिसेप्शन होगा, शादी हो चुकी है और अभी आ रहा है अभिषेक, चेंज वेंज करके आ रहा है और हर्षदा भी अभी आ रही है। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है शादी का। अभी खाना बाकी है, अभी खाया नहीं है हम लोगों ने और हम लोग भूखे, सुबह से ऐसे भूखे हैं, तो अभी थोड़ा टाइम में नहीं खाते हैं जब वो लोग आते हैं। नाम क्या है? आराध्या। आराध्या, और तुम किसके साइड से हो? रिद्धि। तुम्हारा नाम रिद्धि है और आपका नाम आराध्या है? अच्छा, यहाँ पे राउंड राउंड हो जाए, आपका वीडियो निकाल गया, गोल गोल घूमो ना जरा। अच्छा, तो आप किसके साइड से? अभिषेक को जानते हो? अभिषेक को, जिसकी शादी है, किसको जानते हो? अभिषेक को जानते हो, हर्षदा को जानते हो? हर्षदा क्या है, वो मासी है, मामी है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो। अच्छा, ये लड़कों की हेल्प है। नाइस। ये लड़की अपने पापा की आंखें फोड़ देगी, तब से उनकी आंखों में उंगली कर रही। और ये देखिए, ये लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कब से हम सबसे आगे बैठे थे, हमने सोचा कि चलो ठीक है अभी खा के आते हैं, फिर
लेकिन ये लाइन है कि वापस फिर से उतना पहुँची और ख़त्म हो ही नहीं रही। मेरी बहन स्टेज पे दुल्हा दुल्हन के साथ, एक्चुअली ये मेरी सिस्टर का पर्सनल ट्रेनर रह चुके हैं ये, तो इसलिए, और हमें मुंबई में कोई जानता भी नहीं है, तो बहुत कम लोग हैं जो हमें इनवाइट करते हैं। Wait, wait, one more. Thank you. बाप रे, अभी भी ये लाइन फुल है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, देखते हैं। खैर, अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, बहुत टाइम लग गया, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आ गए हम लोग वापस शादी में से, और बहुत ही अच्छे फंक्शन था, शादी वादी सब कुछ बहुत अच्छा था अभिषेक के लिए, आई एम सो हैप्पी। और अब चेंज वेंज कर रहे हैं, बहुत गर्मी है, बाप रे मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अब चेंज वेंज करके फटाफट और फिर बैठ के। हेलो एवरीवन, आज हमारी मटन पार्टी हो रही है, ये मेरा फ्रेंड अपने घर से बना के लाया है क्योंकि उसको मेरी कुकिंग पे इतना भरोसा है, उसने बोला कि मुझे पता है तुम बहुत दूरी हो, तो मैंने कहा थैंक यू, तो उसने बना के लाया। ये रही राइस और ये चपाती, इवन चपाती भी वो खुद ही बना के लाया है, और ये रहा फ्रेंड मेरा जो मटन लेके आया है हमारे लिए, पार्टी पार्टी करता रहता है और खुद ही सारा सामान लेके आता है, साथ में खाता है, चला जाता है, भगवान ऐसे दो सबको दे, है ना, तुम्हारी नहीं ले रही चिलगोजे। सर के साथ इतने अच्छे सर मिले, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आई एम एक्साइटेड टू वर्क विद आकाश एंड विद सर। बेसिकली मुझे बस इतना पता है कि मेरे गांव वाले हैं और मैं दिल खोल के बहुत अच्छे से काम करना चाहती हूँ इस मूवी में, और आई एम सो हैप्पी। बट गांव वाले मुंबई में शूट करेंगे, गांव में तो कर नहीं है, कहीं भी करें सर, गांव वाले जब मिल जाते हैं ना, जब मऊ वाले आजमगढ़ वाले मिलते हैं तो हम अपना गांव छोटा सा मुंबई में बना लेते हैं, थोड़ा सा लोकल कनेक्शन हो जाता है। निशा आप क्या कहते हो? तैयारी, और आज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पर, और सॉन्ग बड़ा ही खूबसूरत और कमाल का बना हुआ है। किस मूड का सॉन्ग है जो रिकॉर्ड किया गया, किसने गाया? बड़ा ही बॉलीवुड मिक्स टाइप का जॉली सॉन्ग है, और अभी इस समय न्यू सिंगर अपॉइंट किया हुआ है, मुझे नाम तो नहीं पता, पर बहुत ही अच्छा गाया। आपको बताइए योगी फिल्म के बारे में। फिल्म की स्टोरी जैसा की सर ने बताया कुछ इस तरह है कि ये दो गाँव के लोग होते हैं, और ये लोग चोर टाइप के होते हैं जो गांव में चीजें चुराते हैं, और जो घात पना होता है गांव में वो चीजें करते हैं, और इधर उधर की जालसाजी करके या ऐसा ऐसा करके ये लोग शहर में आते हैं, और शहर में सर मुझे आगे एक्सप्लोर करनी चाहिए कि नहीं, नहीं, नहीं चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा एकदम मेरे को लगा कि पूछना जरूरी है, तो कुछ ऐसा ऐसा रोमांच और ऐसा कॉमेडी भरा हुआ है पूरी स्टोरी में कि ऑडियंस को देख के आई विश कि बहुत मजा आने वाला। यार आकाश भाई ऐसी पर्सनालिटी वाला इतना हैंडसम चोर अगर किसी को मिल जाए तो आदमी वैसे ही दे देगा, उसको चुराने की क्या जरूरत। हाँ नहीं नहीं देखिए ये तो खूबसूरती हमेशा नजरों में होती है, और अगर अच्छे चेहरे फिल्मों में आते हैं तो फिर वो चाहे चोर बने चाहे पुलिस बने, लोग आई विश की फिल्म में पसंद। आपने तो पहले भी इनके साथ काम किया है, बालकृष्ण सिंह साहब के साथ आपने पहले भी काम किया था? फर्स्ट टाइम। अच्छा, दूसरी बार है। मुझे वो गोरखपुर में शूटिंग कर रहे हैं, वो आज या कल बॉम्बे आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग गाने का रिहर्सल वगैरह चालू कर देंगे, उसके बाद शूटिंग। अच्छा आकांक्षा, आपको फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे बढ़िया लगा? मुझे तो पूरी मतलब मूवी अच्छी लगी, तभी मैं इतना एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए, मैं जैसा आपको बता रही हूँ, और हर कैरेक्टर की जो मतलब बोलते हैं ना, जो डायरेक्टर अपनी आंखों में नजरों में सोचता है हर कैरेक्टर के लिए, एंड आई एम श्योर वो सर सबकी नजरों तक पहुंचाने वाले हैं, और उनकी जुबान से सुन के ना मुझे हर कैरेक्टर में ओ माय गॉड दिस इज टू गुड, अच्छा इनका भी ये कैरेक्टर, वाह दिस इज अमेजिंग, मुझे यही फील आ रहा है अपने कैरेक्टर को भी लेके, और सारे कैरेक्टर मतलब मुझे सब अच्छे लग रहे हैं। गुरु मुझे बताया गया है कि आप एक बड़ी फिल्म करने वाले हैं इसके बाद, जिसका बजट बहुत बड़ा होने वाला है, करोड़ों में कहा जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं या समय का ही बजा रहे? अभी वो बात की बात है, जब इसको हम पहले कंप्लीट करें फिर उसको देखा जाएगा। आपने तो बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, हिंदी की, भोजपुरी की, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आपने की हैं, इस फिल्म के लिए क्या तैयारी है जो बालकृष्ण सिंह पहले से कर रहे हैं जो उनके लिए नहीं? जी को लेकर काफी समय से लगा हूँ, लेकिन अब जाके ये प्रॉपर मुझे मिला है, और मेरे सुधीर भैया है जो पुरुषा साहब है, उनका पूरा सपोर्ट है इस फिल्म बनाने के लिए।
मैं बहुत आभारी हूँ कि इतनी अच्छी फिल्म को वो हमारा साथ दे रहे हैं। निशा आप तो